हेलो दोस्तों, मिस्ट्री एंड हिस्ट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों विश्व भर में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस वायरस का खौफ इतना ज़्यादा है कि दुनिया भर के बड़े बड़े विकसित देश भी अपने आप को इसके खतरे से नहीं बचा पा रहे हैं। अब तक दुनिया भर में इस वायरस से मरने वालों की संख्या करीब 160,000 के पार जा चुकी है और बीतते समय के साथ ही यह संख्या लगातार हजारों की तादाद में बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में कुछ दिनों से कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए एक दावा किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि पिछले 400 सालों से हर 100 साल के बाद एक महामारी आती है। सोशल मीडिया पर किया जा रहा यह दावा सच है या नहीं, आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं विस्तार पूर्वक इसके बारे में कि क्या है इसकी असली सच्चाई। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यहां तक कि कई ऐसी यूट्यूब वीडियोस में एक ऐसा दावा किया जा रहा है जिसमें यह बताया गया है कि पिछले 400 सालों से हर 100 साल में दुनिया को एक महामारी का सामना करना पड़ रहा है। इन पोस्ट और वीडियोस के मुताबिक साल 1720 में प्लेग, 1820 में कॉलेरा यानी कि हैजा, 1920 में स्पेनिश फ्लू और अब 2020 में कोरोना वायरस फैल रहा है। इन सभी पोस्ट और वीडियोस में इसे एक संयोग का नाम दिया जा रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। विश्व स्तरीय समाचार एजेंसी AFP ने इस दावे पर एक फैक्ट चेक रिपोर्ट लगाई है, जिसमें इस दावे को झूठा साबित किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला चीन के वुहान में दिसंबर 2019 में सामने आया था और इसके बाद यह दुनिया के अन्य देशों में फैलना शुरू हुआ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट और वीडियोस के जरिए किया जा रहा यह दावा झूठा है। इन पोस्ट और वीडियोस में दुनिया में आई त्रासदियों के साल को गलत तरीके से दिखाया गया है। ब्लैक डेथ यानी कि ग्रेट प्लेग। सोशल मीडिया के अनुसार यह बीमारी 1720 में फैली थी, लेकिन अमेरिका के ह्यूमन जीनोम रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक डेथ सबसे पहले 1347 से 1351 में फैला था, यानी कि किए गए दावे की तारीख से करीब 400 साल पहले। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट की माने तो प्लेग वायरस से नहीं बल्कि बैक्टीरिया से फैला था। कॉलेरा यानी कि हैजा। दावे के अनुसार यह 1820 में फैला था, लेकिन द लेसेंट के मेडिकल जनरल के मुताबिक कॉलेरा 1817 से लेकर 1923 के बीच में 6 बार फैला था। इसके अलावा यह 1961 में 7वीं बार फैला था। सोशल मीडिया के दावे के मुताबिक स्पेनिश फ्लू 1920 में फैला था, लेकिन आपको बता दें कि साल का यह आंकड़ा भी गलत है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक स्पेनिश फ्लू 1918 में फैला था, यानी कि पोस्ट में किए जा रहे दावे की तारीख से 2 साल पहले। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता ने भी AFP को बताया है कि यह किसी भी तरह का संयोग नहीं है। दोस्तों, वैसे तो यह महामारियां जैसे कि प्लेग, कॉलेरा और स्पेनिश फ्लू कभी ना कभी दुनिया भर में तबाही मचा चुकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया की पोस्ट और वीडियोस में बताए जा रहे इन महामारियों के साल को गलत बताया गया है। हर 100 साल के बाद जो 20 नंबर के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि 1720, 1820, 1920 और 2020, यह बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या मत है? आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्द मिलेंगे कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा।